अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम और शुक्र के साथ हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर दोस्त वर न्यू। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड व्लॉगिंग विद पाकिस्तानी मॉम। अच्छा जी, तो आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लग चुका होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, और आपको पता चल गया होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मामा जान आ चुकी हैं वापस, कानपुर से वापस आ चुकी हैं अपने घर। तो आज का व्लॉग मैं मामा जान के साथ ही बनाऊंगी और मामा जान ही कुकिंग करेंगी। तो हम आज क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं आज देसी टिंडे और आलू। जी हाँ जी, हम देसी टिंडे और आलू बनाने लगे हैं। ठीक है, शोरबे वाले नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं मसाले वाले। तो जैसे कि आपने देखा, मामा ने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल लिया है। ठीक है, ऑयल गर्म होने के बाद उन्होंने ज़ीरा डाल दिया। अब ज़ीरा थोड़ा सा भुना, उसके बाद मामा ने 2 अदद प्याज बारीक काटे हुए थे वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मामा प्याज को अच्छी तरह भूनेंगी। और क्या चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं गई हुई थी खानपुर कटोरा मेके अपने, आज ही आई हूँ मैं। तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आलू टिंडे की। ये मैं पहले भी बनाती हूँ, और ग्रीन चने और चावल बनाऊंगी पुलाव। तो ये मैं अब जीरा डाल के, और साथ ही मैंने ताज़ा थूम है वो डाल दी है, लहसुन तो प्याज डाल दिए, साथ साथ मैं ना ग्रीन मिर्चें टमाटर अदरक वो काट लेती हूँ साथ साथ। देखिए मज़ा तो बहुत आया। अल्लाह पाक भाइयों भाभीियों को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। तो माँ बाप की अपनी रौनक होती है, भाइयों की भी अपनी रौनक है। तो भाई अच्छे हों तो माँ बाप फिर इतना फील नहीं होता जब मेके जाएं, होता है, लेकिन भाभियाँ अच्छी हों, भाई अच्छे हों, तो भतीजे भतीजियाँ अच्छे हों तो बहुत मज़ा आता है। मैं गई हूँ, इतना मज़ा आया, 8 दिन में रह के आई, बहुत ही मज़ा आया था। हाँ बच्चे, फुफो फुफो आप जा रही हो? फुफो फुफो, एक मेरी भतीजी इधर वो डॉक्टर बनती है ना, बन रही है लाहौर में, उसके साथ मैं गई थी। फिर दोस्त, उसको भी 1 हफ्ते की छुट्टी थी, तो फिर हम दोनों गए थे। हाँ जी, तो फिर हम दोनों ही इकट्ठे आए हैं टैबो पे। तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है, खैर खरी से सफ़र मेरा हो गया। मुझे कमर का मसला है, लेकिन सारे कहते थे आप गई हो, पता नहीं ठीक रहोगी या नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक रही हूँ मैं। तो ये टमाटर हरी मिर्च अदरक, ठीक है, वो भी सब्ज़ी मैंने काट ली है। ये देखिए ना, मेरा ब्राउन हो गया है प्याज 3, तो ये ग्रीन थूम भी है इसमें। अच्छा जी, तो अब ये सब ऐड करने के बाद मामा ने इन्हें अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, कि मसाला बनाना है अच्छे तरीके से, इन्हें भूनेंगी जैसे कि आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब मामा इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगी पानी। जी हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मामा ने अब इसमें थोड़ा सा ऐड करना है वाटर, ताकि ना अच्छे तरीके से मसाला भुन जाए। ठीक है, और देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और इसी के साथ हमारी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया करने, सब्सक्राइब कर दे। ये मसाले हैं, हल्दी है, नमक है, सुर्ख मिर्च है, और धनिया पाउडर है, वो हर अपनी टेस्ट के मुताबिक सारा कुछ है। जैसे कि आपने देखा है, मामा ने इसमें 1/4 मसाले ऐड कर दिए हैं। क्वांटिटी अब अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं, जैसे कि हमेशा कहते हैं। ठीक है, हम उसी हिसाब से, जितने हिसाब से हम चीज़ बना रहे हैं हमने उसी हिसाब से ऐड किए हैं। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिए। ठीक है, अब हमारे फिर पानी थोड़ा सा ऐड किया और अच्छे तरीके तरह से और अच्छे तरीके से इन्हें भून लेंगे 1/4 मसालों के साथ ही। अब जी हमारे मसाले अच्छी तरह भुन गए थे, तो अब मामा इसमें
आलू और जो देसी टींडे हैं, जी हाँ जी, उन्हें धो के काट लिया था मामा ने, वो ऐड कर दिए। और साथ ही साथ मामा ने जब आलू और टींडे काटे थे उन्हें पानी में ऐड कर दिया था ताकि आलू हमारे ब्लैक ना हो। अब मामा ने क्या करना है, इन्हें जी प्रेशर में स्टीम देंगी 5 से 6 मिनट तक, ठीक है, प्रेशर को बंद करके ताकि ये अच्छे से गल जाए। जी ये देखिए हम मामा प्रेशर बंद कर रही हैं और तेज़ आँच पर नहीं, हल्की आँच में ही मामा ने लो टू मीडियम फ्लेम में रख दिया था, ठीक है, और साथ ही विसल दे देंगे ऊपर। जी तो अब हम मिलते हैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद। अच्छा जी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा प्रेशर लग चुका था, मामा ने खोल लिया था हांडी अपनी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब मामा इसे भूनेंगी अच्छे तरीके से, ठीक है, और साथ साथ चम्मच हलाती जाएंगी ताकि नीचे ना लगे और आँच तेज़ नहीं रखनी। अच्छा जी, तो अभी इसी पॉइंट में हमें पता चला था कि फ्रिज में दही पड़ा था, मामा ने वो दही भी ऐड कर दिया। अदर देन दही थोड़ा सा पहले ऐड करना था, हमें था दही नहीं है बट दही था, हमें ये था कि नहीं है। अच्छा जी, तो अब मामा ने दही डाल के फिर और अच्छे तरीके से भून रही हैं इसे, और साथ ही साथ अब मामा इसमें ऐड कर रही है नमक। नमक थोड़ा कम था तो अब मामा ने नमक ऐड कर दिया है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गाइस हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर तय करें आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अच्छा जी, तो साथ ही साथ मामा ने इसमें अब गरम मसाला ऐड कर दिया है। हमारा हांडी आलमोस्ट बन चुकी है। अच्छा जी गाइस, इसी के साथ है हमें इजाज़त। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह।